देखो बच्चों, हम लोग कुछ वेल नोन ग्राफ पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को देख रहे हैं। देखो ध्यान दो, जैसे ग्राफ होता है y इक्वल टू लॉग एक्स बेस e, है ना, जिसको हम शॉर्ट में ln x भी कहते हैं ना, ln x log x बेस e। देखो log x बेस e में क्या होता है, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसे करके देखो ग्राफ बनाते हैं ना, बेस ग्रेटर देन वन वाला ग्राफ, याद है आपको, बेस ग्रेटर देन वन वाला ग्राफ। देखो ध्यान दो, ये वाला पॉइंट होता है 1, 0, ठीक। देखो जैसे ये जो फंक्शन है, एक्चुअली ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है, है ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के आगे डिफाइन है, ये डोमेन ही इसकी यही है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये ग्रेटर देन जीरो में हर जगह कंटिन्यूअस है ना। देखो ग्रेटर देन जीरो में ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है ना, हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। अब देखो जैसे ध्यान दो, अगर हम लिमिट की बात करें, देखो क्या है, जीरो पर ये फंक्शन लेफ्ट में डिफाइन नहीं है, तो जीरो पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं ना, राइट हैंड लिमिट। देखो जीरो पर हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, जीरो पे लेफ्ट से नहीं राइट से देख सकते हैं। अब देखो राइट से देखेंगे तो फंक्शन जा कहां रहा है, माइनस इंफिनिटी पर, तो हम कहेंगे जीरो पर इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी है, बोलो माइनस इंफिनिटी, है ना। अगर हम जीरो पर राइट से देखेंगे तो फंक्शन जा रहा है माइनस इंफिनिटी पर, इसकी जीरो पर राइट हैंड लिमिट कितनी, बोलो माइनस इंफिनिटी, ध्यान दो। अच्छा देखो, अगर हम एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर देखें, एक्स को बहुत आगे ले जाएं, तो फंक्शन कहां जाएगा, बोलो ऊपर, ऊपर का मतलब प्लस इंफिनिटी, है ना। तो अगर हम एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जाएं तो फंक्शन जाएगा प्लस इंफिनिटी पर, मतलब अगर हम x को ओरिजिन के आगे ले जाएं प्लस इंफिनिटी पर, तो को y भी कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी पर, ध्यान दो, है ना। तो इसका मतलब इंफिनिटी पर इसकी लिमिट इंफिनिटी ही है। अब इंफिनिटी पर राइट और लेफ्ट नहीं होगा, ध्यान देना, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पर राइट या लेफ्ट नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को, ठीक। देखो अब हम एक काम करें, इसी फंक्शन में देखो ध्यान दो, इसी फंक्शन में थोड़ा चेंज करें, जैसे मान लीजिए हम इसी फंक्शन में x पर मॉड लगा दें, x पर मॉड, तो जब हम x पर मॉड लगाएंगे तो क्या होता है, बोलो, जैसा ग्राफ राइट में होता है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ कहां बन जाता है, लेफ्ट में, ध्यान दो, ये वाला पॉइंट 1, 0 है और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बोलो माइनस 1, 0, ध्यान दो, ये वाला पॉइंट 1, 0 है और ये पॉइंट क्या है, बोलो -1, 0, ठीक। जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में वैसा ही बनता है ओरिजिन के लेफ्ट में, ध्यान दो। अब देखो क्या होगा, यहां पर देखो ये ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो दोनों में फंक्शन डिफाइन है, ये ओरिजिन के राइट और ओरिजिन के लेफ्ट दोनों पर फंक्शन डिफाइन है और ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही है। देखो ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन x ग्रेटर देन जीरो एंड x लेस देन जीरो दोनों पर ये फंक्शन हो रहा है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना। अब देखो ध्यान दो, जीरो पर राइट से भी देखेंगे तो जा रहा है माइनस इंफिनिटी पर, और जीरो पर लेफ्ट से भी देखेंगे तो जा रहा है माइनस इंफिनिटी पर, मतलब जीरो पर अब इसकी कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान देना, कंप्लीट लिमिट, क्योंकि देखो जीरो पर राइट से भी देखेंगे तो जा रहा है माइनस इंफिनिटी पर और लेफ्ट से भी देखेंगे तो जा रहा है माइनस इंफिनिटी पर, तो जीरो पर इसकी लिमिट कितनी हो गई, बोलो माइनस इंफिनिटी, है ना, जीरो पर इस फंक्शन की लिमिट हो गई कितनी, बोलो माइनस इंफिनिटी, ध्यान दो, जीरो पर राइट वाला ग्राफ जा रहा है माइनस इंफिनिटी पर और जीरो पर लेफ्ट ग्राफ करा जा रहा है, बोलो माइनस इंफिनिटी पर, तो जीरो पर इसकी दोनों तरफ से लिमिट कितनी हो गई, बोलो माइनस इंफिनिटी, ध्यान दो, ठीक।
अच्छा अब देखो एक काम और किया जाए, देखो ये फंक्शन ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो दोनों पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, जीरो पर नहीं, क्योंकि जीरो तो इसकी डोमेन में नहीं है। अगर हम ध्यान दें देखो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ग्रेटर देन जीरो भी है और लेस देन जीरो भी है, क्योंकि मॉड लग गया ना एक्स पर इसीलिए, लेकिन जीरो इसकी डोमेन में अभी भी नहीं है। और ध्यान देना जो पॉइंट डोमेन में नहीं होता उस पर भी लिमिट निकल सकता है, जैसे देखो जीरो इसकी डोमेन में नहीं है लेकिन जीरो पर आप लिमिट को देख सकते हैं राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी, लेकिन जीरो पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं देख सकते। जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं होता उस पर कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं, लेकिन उस पर लिमिट फिर भी डिफाइन है, ध्यान दो है ना। जो पॉइंट हमारी फंक्शन की डोमेन में नहीं होता है उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं निकाल सकते, लेकिन उस पॉइंट पर भी हम लिमिट को निकाल सकते हैं, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो जैसे जीरो डोमेन में नहीं है लेकिन जीरो पर हमने फिर भी लिमिट को निकाल लिया है ना, जीरो हमारे फंक्शन की डोमेन में नहीं है, जीरो के राइट में फंक्शन डिफाइन है लेफ्ट में डिफाइन है, जीरो डोमेन में नहीं है लेकिन देखो फिर भी हमने जीरो पर लिमिट को निकाल दिया है ना, और जीरो पर लिमिट क्या आ गया बोलो माइनस इनफिनिटी, ध्यान दो। अच्छा देखो एक काम और करें हम, इसी फंक्शन में एक मॉड और लगा दें, देखो दोनों पर ऐसे मॉड लगा दें ये। अब क्या होगा जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है देखो वो ऊपर आ जाएगा ऐसे करके ये, और जो ग्राफ देखो एक्स एक्सिस के नीचे है वो देखो ऊपर आ जाएगा ऐसे ये। अब देखो क्या हो रहा है इस फंक्शन में ध्यान दो, अब ये फंक्शन वन पर और माइनस वन पर देखो कॉर्नर ले रहा है कॉर्नर। अब ये फंक्शन देखो, अब देखो ध्यान दो जैसे जीरो पर देखो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो में ये अभी भी कंटिन्यूअस है, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो में ये फंक्शन क्या है बोलो कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन है कैसा बोलो कंटिन्यूअस है, ध्यान दो कंटिन्यूअस ठीक। लेकिन देखो अब जीरो पर तो डिफरेंशिएबल वैसे भी नहीं, क्योंकि जीरो डोमेन में ही नहीं है, जब पॉइंट डोमेन में नहीं है तो ना कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, इसमें वन पर कॉर्नर है इसलिए वन पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है और माइनस वन पर भी डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां पर है, एक तो जीरो पर एक वन पर और एक माइनस वन पर, इन तीन पॉइंट्स पर देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, जीरो पर नहीं क्योंकि जीरो डोमेन में नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा, जो पॉइंट डोमेन में नहीं होता उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ध्यान दो जो पॉइंट डोमेन में नहीं होता उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता ठीक। अच्छा देखो अब इस फंक्शन की जीरो पर अगर हम लिमिट देखें तो मॉड लॉग मॉड एक्स की, देखो अब क्या हो रहा है जीरो पर अगर राइट से देखेंगे तब भी जाएगा इन्फिनिटी और जीरो पर लेफ्ट से देखेंगे तब भी जाएगा इन्फिनिटी, तो जीरो पर ये दोनों तरफ से इन्फिनिटी जा रहा है तो जीरो पर लिमिट क्या हो गया बोलो इसका इन्फिनिटी हो गया, ध्यान दो है ना, जीरो पर राइट हैंड साइड से भी जा रहा है इन्फिनिटी और लेफ्ट हैंड साइड से भी कहां जा रहा बोलो इन्फिनिटी, तो जीरो पर दोनों तरफ से इन्फिनिटी जा रहा है इसका मतलब जीरो पर इसकी लिमिट क्या हो गई बोलो इन्फिनिटी हो गई, ध्यान दो ठीक। अच्छा अब एक बात और ध्यान दो, जैसे अब यहां पर देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख सकते हैं, देखो जैसे माइनस वन के पीछे डिक्रीजिंग, माइनस वन से जीरो तक इंक्रीजिंग, जीरो से वन तक फिर डिक्रीजिंग और वन के आगे फिर इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे x बराबर 1 पर जो y की वैल्यू है वो दोनों तरफ की तुलना में कम है तो इसका मतलब 1 पर क्या हो गया लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा ध्यान दो, x बराबर 1 पर जो देखो वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट दोनों की तुलना में कम है इसका मतलब लोकल मिनिमा। इसी प्रकार x बराबर माइनस 1 पर भी क्या हो गया बोलो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा देखो माइनस वन पर अगर हम देखें इसकी राइट वाला ग्राफ तो इसकी वैल्यू कम है और लेफ्ट से भी वैल्यू कम है ना,
तो माइनस वन के राइट में देखेंगे तब भी वैल्यू कम है और लेफ्ट में देखेंगे तब भी वैल्यू कम है, तो माइनस वन पर क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमा। ठीक है, और हाँ ध्यान रखो ये दोनों पॉइंट पूरे ग्राफ में भी सबसे कम है, तो इन्हीं दोनों को भी हम क्या कहेंगे बोलो, ग्लोबल मिनिमा कहेंगे, ग्लोबल मिनिमा। क्योंकि पूरे ग्राफ में अगर देखें तो ये दोनों पॉइंट्स भी पूरे ग्राफ की तुलना में सबसे लोएस्ट हैं, इसलिए इनको कहेंगे हम ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा इसके पास नहीं है, इसके पास नो ग्लोबल मैक्सिमा, कोई भी ग्लोबल मैक्सिमा इस फंक्शन के पास नहीं है, ध्यान रखो, है ना। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को। देखो ध्यान दो, लिमिट थोड़ा और देख लें, जैसे अगर हम एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी करें, देखो अगर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी करें, एक्स को इंफिनिटी पर ले जाएं, देखो वाई फिर इंफिनिटी पर जा रहा है, तो मॉड लॉग मॉड एक्स क्या हो रहा है बोलो, इंफिनिटी। अगर हम x को इनफाइनाइट पर ले जाएंगे तो y फिर इनफाइनाइट पर जा रहा है, और इसी प्रकार अगर हम x को माइनस इनफाइनाइट पर ले जाएं, देखो ध्यान दो अगर हम x को माइनस इनफाइनाइट पर ले जाएं तो फंक्शन फिर जा रहा है इनफाइनाइट पर, है ना। तो अगर x को इनफाइनाइट पर ले जाओगे तब भी फंक्शन जाएगा इनफाइनाइट पर, x को माइनस इनफाइनाइट पर ले जाओगे तब भी फंक्शन जाएगा इनफाइनाइट पर, है ना। तो देखो ये हमने लॉग की स्टडी करी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग लॉग फंक्शन की देखो हमने स्टडी करी है, ग्राफिकल स्टडी। ठीक है, अभी और भी करते हैं, करो सब बच्चे ध्यान से, इसको लिखो जल्दी से।